हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर कपिल शर्मा है। आई एम डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ गेस्टो क्योर क्लिनिक लोकेटेड इन कालकाजी न्यू दिल्ली। दिस इज़ द अवेयरनेस वीडियो रिगार्डिंग एंडोस्कोपी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। एंडोस्कोपी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कैन बी डन बाय कैप्सूल एंडोस्कोपी और एंट्रोस्कोपी। अब हम बात करेंगे कैप्सूल एंडोस्कोपी की। कैप्सूल एंडोस्कोपी के अंदर एक विशेष तरह का कैप्सूल पेशेंट द्वारा स्वेलो किया जाता है। इस कैप्सूल के अंदर आगे कैमरा लगा होता है और एक चिप लगी होती है। जैसे ही ये कैप्सूल स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, वहाँ से बहुत सारी इमेज कैप्चर करता है और ये कैप्चर जो एक्सटर्नल डाटा रिकॉर्डर जो कि पेशेंट द्वारा वॉर्न किया जाता है उस तक भेजता है। और इसकी बैटरी लाइफ होती है 24 आवर्स। 24 आवर्स के अंदर ये बहुत सारी इमेजेस स्मॉल इंटेस्टाइन की रिकॉर्डर तक भेजता है और इस रिकॉर्डर को हम कंप्यूटर पर लेके स्मॉल इंटेस्टाइन की जो भी प्रॉब्लम है उसको एनालाइज करते हैं। कैप्सूल एंडोस्कोपी करने की कब ज़रूरत पड़ती है? जिन लोगों को हीमोग्लोबिन बार बार कम हो रहा है, एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी नॉर्मल है, ऐसा लग रहा है कि ब्लीडिंग कहीं स्मॉल इंटेस्टाइन से हो रही है, तो उनमें किया जा सकता है। जिन लोगों को छोटी आंत की कोई प्रॉब्लम, अल्सर्स या कुछ और प्रॉब्लम के बारे में जानकारी कैप्सूल एंडोस्कोपी द्वारा की जा सकती है। ये ध्यान करने से पहले हम पूरी हिस्ट्री लेते हैं, ये जानते हैं कि पेशेंट को कोई ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स तो नहीं है, जैसे कि पेट में लगातार दर्द, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन एंड ऑब्स्टिपेशन, और सीटी स्कैन करके ये देखा जाता है कि कोई स्मॉल इंटेस्टाइन में स्ट्रक्चर तो नहीं है। कभी कभी ये कैप्सूल यदि किसी को स्ट्रक्चर हो तो वहाँ फंस जाता है और इसको एंट्रोस्कोपी द्वारा निकालने की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा टेस्ट जिसे कि स्मॉल बाउल एंट्रोस्कोपी बोलते हैं, ये एक एंडोस्कोप की मदद से होता है। ये डबल बलून एंट्रोस्कोप के द्वारा या सिंगल बलून एंट्रोस्कोप के द्वारा होता है। हम यूजुअली डबल बलून एंट्रोस्कोपी करते हैं। इस डबल बलून एंट्रोस्कोपी में दो बलून होते हैं, एक बलून टिप पर लगा होता है और दूसरा बलून एक एंडोस्कोप के ऊपर ओवल ट्यूब होती उस पर लगा होता है। इसको भी एंडोस्कोपी की मदद से स्मॉल इंटेस्टाइन में इंट्रोड्यूस किया जाता है और इन दोनों बलून के द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन को एंडोस्कोप के ऊपर प्लेट किया जाता है और उससे धीरे धीरे आगे बढ़ा जाता है। इसके द्वारा होने वहाँ जो रुकावट है, जो अल्सर है, जो ब्लीडिंग स्पॉट है, उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है और यदि जो प्रॉब्लम है उससे बायोप्सी लिया जा सकता है। जहाँ ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, यदि किसी को ट्यूमर को निकालना है, किसी को क्लिप लगाना है, किसी को आर्गन प्लाज्मा से कोएगुलेट करना है, तो वो भी किया जा सकता है। एंट्रोस्कोप की मदद से कभी कभी हमें ERCP की आवश्यकता पड़ती है। जिन लोगों को कोई ऑपरेशन द्वारा एनाटॉमी बदल जाती है, उनमें नॉर्मल ERCP स्कोप से ERCP नहीं पॉसिबल हो पाती, उनसे हम एंट्रोस्कोप द्वारा भी ERCP करके कॉमन बाइल डक्ट की प्रॉब्लम भी सोल्व कर सकते हैं। ये दो रूट से हो सकता है, या मुंह के द्वारा या NS के द्वारा। यदि हम दोनों रूट को कंबाइन करें तो इससे हम पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन को विजुलाइज कर सकते हैं, वहाँ की प्रॉब्लम को रिजोल्व कर सकते हैं। टू नो मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दीज टू टेस्ट, यू कैन फॉलो अस ऑन अवर YouTube चैनल, Facebook, Insta और वेबसाइट। अंत में मैं आप लोगों के GI हेल्थ के बारे में शुभकामनाएँ देना चाहूँगा। धन्यवाद।